हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय कक्षा 12 का पहला पाठ का अध्ययन कराने वाला हूं। कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र तो आज हम देखेंगे नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है ओल्ड वार, शीत युद्ध। शीत युद्ध नागरिक शास्त्र में हम देखेंगे पहला चैप्टर है शीत युद्ध। युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर। तो बच्चों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शीत युद्ध का दौर माना जाता है 1945 से 1991 तक। शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक माना जाता है। इस समय के काल को शीत युद्ध कहते हैं। अब शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों को नया नया चैप्टर है, समझने में परेशानी आ रही होगी, क्योंकि आप लोग फेस टू फेस तो है नहीं। हर एक चीज की विधिवत व्याख्या करके बताना पड़ता है। तो शीत युद्ध, कोल्ड वार का दौर, तो कोल्ड वार का जो दौर है, सर्वप्रथम हम आपको बता देना चाहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से के बाद से प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस विश्व के दो ध्रुव उगे और विश्व दो समुदायों में बट गया। विश्व समुदाय दो समुदायों में बट गया। एक गुट जो है अमेरिका के खेमे में और दूसरा गुट हो गया सोवियत संघ। अमेरिका के गुट सोवियत संघ अमेरिका के खेमे के गुट जो है अमेरिका के छतरी के नीचे आ गए और सोवियत संघ के गुट के सोवियत संघ के छतरी के नीचे आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व दो समुदायों में बट गया, दो ध्रुवों में बट गया। एक अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वह पूंजीवाद के पुरोधा थे और दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा के जो देश थे
और सोवियत संघ के छतरी के नीचे आ गए। कह सकते हैं कि पूर्वी यूरोप, वियतनाम, उत्तर कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना आदि देश जो है सोवियत संघ के छतरी के नीचे आ गए। लेकिन हम यहां पर जानना चाहेंगे कि विश्व युद्ध समय से जो प्रारंभ हुआ कोल्ड वार, तो इसके लिए हम व्याख्या करेंगे कोल्ड वार है। 1945 हम आप लोगों को बता देंगे 1945 का जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे विश्व समुदाय में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो इन्हीं दो महाशक्तियों में तो कोल्ड वार का क्या हम कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियों से उत्पन्न तनाव और संघर्ष से उत्पन्न स्थिति को ही हम कोल्ड वार अर्थात शीत युद्ध कहते हैं। 1945 से 1991 तक जो परिस्थितियां और तनाव का माहौल था वह कोल्ड वार कहलाता है। कोल्ड वार शब्द का सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड एम बरुच विद्वान बर्नार्ड एम बरुच ने ने जो है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था 1947 में। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है दो शक्तियों के आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें कौन कौन से क्या क्या कारण है शीत युद्ध के उदय होने के, हम इस पर प्रकाश डालेंगे। शीत युद्ध के उदय होने के क्या कारण, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के राजनैतिक मानचित्र पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के उदय के परिणाम स्वरूप एक पूंजीवादी विचारधारा के अनुरूप चलने लगा और दूसरा साम्यवाद अर्थात संपत्ति को अपने राज्य के नियंत्रण में लाना साम्यवादी विचारधारा कहलाता है।
इनके कई कारण है कि शीत युद्ध का उदय। कौन कौन से कारण है? अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के उदय के कौन कौन से कारण है। तो इन सब कारणों में सर्वप्रमुख रूप से जो है शीत युद्ध के उदय के कारण है। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे रूस की साम्यवादी क्रांति। रूस की साम्यवादी क्रांति, रूस में साम्यवादी क्रांति। उन्नीस सौ सत्रह में लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में जो है क्रांति हुई। और इस क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत संघ का जन्म हुआ और सोवियत संघ की विचारधारा को अमेरिका व पश्चिमी देश विरोध करते थे। अमेरिका व पश्चिमी देश विरोध करते थे क्योंकि जहां साम्यवादी देश संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है वही पूंजीवादी विचारधारा निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहता है। इसी कारण इन दोनों शक्तियों का उदय हुआ। मतलब कि एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के जो लोग हैं संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहते हैं और साम्यवादी विचारधारा के लोग संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। ये पहला कारण है शीत युद्ध के उदय होने का कारण है कि शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ। दूसरा कारण है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे विश्व युद्ध पर मतभेद है। जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो 1945 से 1951 का जो दौर था विश्व युद्ध के समय विश्व दो ध्रुवों में बट गई थी। एक का नेतृत्व
अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरे का नेतृत्व है हिटलर और उसके सहयोगी देश। तो यहां पर देखिए जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप के देश आपस में मिलकर मित्र या कहलाते हैं मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और रूस आदि देश थे। ये मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी के राष्ट्रों को हराया। धुरी के राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख थे। यह जो है धुरी के राष्ट्र कहलाए। धुरी के राष्ट्र दूसरे मोर्चे पर मतभेद, या मतभेद क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि यहां पर हम देखेंगे यह मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र है अमेरिका, ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, रूस। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं इसकी राजधानी लंदन, रूस जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई तो सोवियत संघ रूस नाम का, जिसकी राजधानी मॉस्को है। तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी के राष्ट्रों के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की। आप सभी बच्चे जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पर एटम बम गिराया था, परमाणु विस्फोट किया था, जिसके कारण लाखों की संख्या में जापानी मारे गए। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस विभत्स घटना को देखकर धुरी के राष्ट्र जो है उनकी आत्मबल कमजोर हो गए और अपने आप को सरेंडर कर। जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद क्या है? रूस चाहता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि मित्र राष्ट्र मिलकर जो है जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दे युद्ध के लिए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने जानबूझकर, अमेरिका और इंग्लैंड ने जानबूझकर सोवियत संघ की बातों को अनदेखा कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ को जो है अकेले ही जर्मनी से युद्ध में के लिए जूझना पड़ा। इस बात का मतभेद अमेरिका और रूस में था। यह भी एक प्रमुख कारण है शीत युद्ध के उदय होने का। इसके बाद है जो कि पूरा संसार जानता है कि अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार करना। अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र है, एक तो यह मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। अमेरिका ने परमाणु बम का जो आविष्कार किया था सोवियत संघ को नहीं बताया था। यहां तक कि
जापान के ऊपर जब एटम बम पटका था तो भी सोवियत संघ को नहीं पता चला था। जिसके कारण मित्र राष्ट्रों में विशेष तौर से अमेरिका और रूस के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और ठीक उसके दो साल बाद रूस ने जो है परमाणु बम का परीक्षण किया अर्थात 1949 में। 1949 में रूस ने परमाणु बम का परीक्षण किया, 1952 में इंग्लैंड ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। इस तरह से विश्व धीरे धीरे जो है हथियारों की दौड़ की तरफ चल पड़ा, परमाणु हथियारों की दौड़ की तरफ। जर्मनी के विरुद्ध सोवियत संघ अकेला जो है दूसरे मोर्चे पर उसको जूझना पड़ा, जिसके कारण जो है शीत युद्ध के कारणों में से था। दूसरी बात एटम बम का आविष्कार, एटम बम के आविष्कार में अमेरिका ने जो है रूस को अपने मित्र राष्ट्रों को बिना अपने सहयोग में लिए ही जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया, जिससे रूस को लगा कि एक धक्का लगा कि ये मित्र होते हुए भी हमें कुछ नहीं बताया। वहां पर धीरे धीरे अविश्वास की भावना दोनों राष्ट्रों के बीच पनपने लगी। तो 1949 में सोवियत रूस ने भी एटम बम का परीक्षण किया, 1952 में इंग्लैंड ने किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः फ्रांस और चाइना दो ही राष्ट्र बचे। फ्रांस ने 1964 में, चाइना ने 1969 में 69, और भारत ने उसके बाद 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया इंदिरा जी के शासनकाल में, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री जिसे हम लेडी आयरन कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद भारत ने एक अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के शासनकाल में। उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया, उस समय वहां के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ जी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व जो है परमाणु हथियार की दौड़ में चली गई, जिसके कारण विश्व में भय और तनाव का माहौल व्याप्त हो गया और सभी लोग जो है एटम बम प्राप्त करने की होड़ में लगे। यहां तक कि एक छोटा सा मुल्क इजराइल 1979 में जो है एटम बम का परीक्षण किया, लेकिन काफी गोपनीय था। तो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार,
अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार, अमेरिका ने परमाणु बम के आविष्कार के परिणाम स्वरूप रूस और अमेरिका के मध्य जो है तनाव को बढ़ा दिया। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक क्या है, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं, अगला पॉइंट है। शीत युद्ध को बढ़ाने में पूर्वी यूरोप की बात करें तो यूरोप दो हिस्सों में बटा था, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में जो है पूंजीवादी विचारधारा के और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी विचारधारा के लोग पाए थे। पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाओं का दखल, सोवियत सेना का दखल पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना का दखल पूर्वी यूरोप के देशों में विशेष तौर से हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि देशों ने अपनी सेनाओं को बनाए रखा। इसका प्रभाव अमेरिका व पश्चिमी गुट द्वारा तीखा विरोध किया गया, अर्थात पूर्वी यूरोप में जो सेनाएं थी सोवियत संघ ने इन देशों में अपने सेना को वापस नहीं बुलाया। ये देखिए पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना का दखल, मतलब हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में यूरोप में अर्थात सॉरी सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस नहीं बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और पूंजीवाद समर्थक सोवियत संघ का तीव्र विरोध किया। यह भी शीत युद्ध के उदय का एक प्रमुख कारण बनता है। दूसरा है